अयोध्या में भदरसा गैंगरेप के बाद पहले मुख्य आरोपी मोहित खान की अवैध संपत्ति पर बुलडोजर चला, तो वहीं अब उन सभी जमीनों पर भी बुलडोजर चलाने की तैयारी की जा रही है जिनको अवैध तरीके से कब्जा किया गया है। इनमें कब्रिस्तान और प्राथमिक विद्यालय की जमीन है। दरअसल अयोध्या में नाबालिग के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म का मामला जब से प्रकाश में आया है तब से अयोध्या पुलिस लगातार एक्शन मोड में नजर आ रही है। जहां एक ओर पुलिस ने आरोपी मोहित खान अवैध संपत्ति पर बुलडोजर चलाया, तो वहीं दूसरी ओर अब उन सभी जमीनों पर भी बुलडोजर चलाने की तैयारी की जा रही है जिस पर अवैध तरीके से कब्जा किया गया है। बता दें कि भदरसा नगर पंचायत में अभी तक पैमाइश में कब्रिस्तान की भूमि पर पुलिस चौकी समेत 11 लोगों के द्वारा अवैध कब्जे और निर्माण की पुष्टि हुई है और अब प्राथमिक विद्यालय की 13 बिस्बा में से 8 बिस्बा से ज्यादा भूमि पर अतिक्रमण कर कब्जे की जांच पड़ताल हो रही है, जिसे लेकर बीते दिन राजस्व विभाग की टीम पुलिस बल के साथ प्राथमिक विद्यालय पहुंची और पुराने रिकॉर्ड के आधार पर नाप जोक की गई। वहीं जमीन की पैमाइश के बाद उप जिला अधिकारी अशोक सैनी ने बताया कि जांच के बाद प्रथम दृष्टि अतिक्रमण दिखाई दे रहा है और आगे जांच पूरी होने के बाद बुलडोजर की कार्रवाई भी की जाएगी। ये प्राथमिक विद्यालय प्रदर्शन है, इसकी जो जमीन है उसके अतिक्रमण की शिकायत है। जैसे साहब के यहाँ से एक लेटर आया है, जेल साहब का निर्देश हुए हैं कि जहाँ जहाँ कब्जा किया गया इसकी जमीन पे, शासकीय जमीन पे, उसका चिन्हीकरण किया जाए और अल्टीमेटली इसको हटाया जाए। उसके परिप्रेक्ष्य में रिवेन्यू टीम आई है, पुलिस टीम आई है, वो जस्ट जांच कर रहे हैं कौन कौन से एरिया में इसके डायमेंशन का किस साइड में कहाँ कब्जा किया गया। वो जस्ट हमारे पास पैमाइश हमने सारी कर ली है। आगे की क्या कार्रवाई होगी? नहीं, जहाँ जहाँ अतिक्रमण हुआ है वहाँ वहाँ हटाया जाएगा। अतिक्रमण तो हटाया जाना चाहिए ना, पब्लिक। ऐसे में एक ओर प्रशासन भदरसा गैंगरेप मामले के बाद लगातार अवैध अतिक्रमण की जांच कर कार्रवाई कर रहा है, तो वहीं दूसरी ओर जेल में बंद दुष्कर्म के आरोपी मोहित का भी आज डीएनए सैंपल ले लिया गया है और डीएनए सैंपल की जांच के बाद उसके खिलाफ आगे की कार्रवाई की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।